दोस्तों, आज हम ये एक बैटरी प्रोटेक्शन की आईसी है उसके बारे में हम जानेंगे। कैसी होती है ये, कैसे काम करती है, कितने पिन होते हैं इसमें, ये सब हम आज हम जानेंगे। एक्चुअली जो लेड एसिड बैटरी होती है, इसको अगर थोड़ी वोल्टेज ज़्यादा मिल जाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी अगर डिस्चार्ज हो जाए ज़्यादा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको, और अगर हम इसमें कहते हैं चार्ज ज़्यादा कर दें इसको तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इसको। लेकिन जो ये लिथियम आयन की बैटरी होती है या फिर लाइपो बैटरी जो है, इनको ज़रा सा भी चार्ज ज़्यादा मिल जाएगा तो इनके फटने के और एक्सप्लोड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ही डिस्चार्ज के मामले में भी है कि अगर इसको डिस्चार्ज कर दिया तो ये बड़ी बहुत बुरी तरीके से ये ख़राब हो जाती हैं, और इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया, मान लो किसी वजह से इनके टर्मिनल्स जो हैं वो शॉर्ट सर्किट हो गए तो भी वो बड़ी दिक्कत रहती है। तो ये एक छोटी सी आईसी है, 6 पिन की आईसी है, बहुत छोटा पैकेज है, SOT23 6 का पैकेज है। जो हमारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं छोटे वाले, SMD में ट्रांजिस्टर जो आते हैं वो SOT23 होते हैं, और आगे डैश में 3 होता है उनके, क्योंकि वो 3 पिन के होते हैं। ये जो है 6 पिन का है, इसमें इधर भी 3 पिन उधर भी 3 पिन, बहुत छोटा पैकेज ही रहता है। इसमें आप देखोगे सारी प्रोटेक्शन है इसमें, ओवर चार्ज की, ओवर डिस्चार्ज की, शॉर्ट सर्किट की, हर तरह की प्रोटेक्शन इसमें दी जाती है। टेम्परेचर की रेंज भी इसकी डिफाइन है, बहुत छोटा इसका जो पैकेज है, आराम से किसी भी सर्किट में ये आ जाता है। नीचे देखेंगे अगर हम इसके, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो ओवर चार्ज का डिटेक्शन, मतलब कि कभी इसको लगेगा कि हाँ ओवर चार्ज हो गया तो ये 4.3 वोल्ट पर है, क्योंकि जो ये लिथियम आयन बैटरीज होती हैं 4.2 वोल्ट तक ही इनका चार्जिंग का रहता है, 3.7 इनका नॉमिनल वोल्टेज रहती है और 4.2 पर ये चार्जिंग के कट ऑफ मार देती है। ओवर चार्ज के जो रिलीज़ करेगा, मतलब पता चलेगा कि आप ओवर चार्ज नहीं है, वो 4.1 पर है, क्योंकि 4.2 पर हमारा पूरा चार्ज है। ऐसे ही ओवर डिस्चार्ज जो है वो 2.4 पर है, और डिस्चार्ज को रिलीज़ करना होता है 3 पर। नॉर्मली ये 2.7 तक ये चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, या 2.5 तक भी ये चली जाती है। ओवर करंट का डिटेक्शन, मतलब कि मान लो लोड ज़्यादा ले रहे हैं हम बैटरी से, बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से, या फिर हमने शॉर्ट सर्किट हो गई बैटरी के किसी कारण की वजह से, जो बैटरी का है उसके टर्मिनल शॉर्ट हो गए तो बैटरी को ना ख़राब कर दे, बैटरी को एक्सप्लोड ना कर दे, उसके लिए 150 मिली वोल्ट का ये थ्रेशोल्ड है। 150 मिली वोल्ट पर ये इसको एक पर्टिकुलर एक मॉस्फेट, जो इनके मॉस्फेट जो प्रोटेक्शन के लिए मॉस्फेट इसके लगाए हुए हैं, अभी आगे बताऊंगा कैसे लगे हुए हैं वो, तो उन मॉस्फेट के अक्रॉस जब 150 मिली वोल्ट का ड्रॉप हो जाएगा तब ये आईसी जो है मॉस्फेट को बंद कर देगी, मतलब कनेक्शन ही काट देगी, तो आईसी के डिस्चार्ज का चक्कर ख़त्म हो जाएगा और ये फटने से बच जाएगी। सारे फंक्शन जो हैं इसके, देखो ऑटो रिकवरी है, जैसे ही मतलब कोई भी लॉक चीज़ हुई और वो अगर उससे रेंज में आ गई तो दोबारा वो ऑन कर देगा, ऑटो रिकवरी है। इसके पिन है ये ओडी, मॉस्फेट गेट डिस्चार्ज कंट्रोल के लिए है, ओवर डिस्चार्ज, ओडी का मतलब होता है ओवर डिस्चार्ज, उससे कंट्रोल के लिए है। CS करंट सेंस के लिए है, OC ओवर चार्ज के लिए है। ये TD ये टेस्ट पिन है, डिले टाइम को, कितनी देर में जाके वो जो अपने पुराने स्टेट है उस पर वापस आए, उसकी उसके कंट्रोल के लिए नॉर्मली ये ओपन ही रहता है। VCC इसको जो बैटरी से ही मिलती है, इसको चार्जर जो होता है उससे ही मिलती है, ये VCC है, ये ग्राउंड हो गया इसका। ब्लॉक डायग्राम इसका ये आता है, ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं आप इसका, ये VCC है, बस कंपेरेटर्स ही हैं लगे हुए हैं इसमें। आप देखो हर तरह कंपेयर करने की बात है, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर देखो, इसको देखो, सब कंपेयर करना है इसको, हर चीज़ कंपेयर करनी है। लॉजिक कंट्रोल, उस कंपेयर करने के बाद फिर इसके अंदर लॉजिक कंट्रोल है, और यहाँ पर ये ओवर डिस्चार्ज और ओवर चार्ज के पिन पर ये उसी के हिसाब से ये करंट को देगा, जैसा हमें जैसी कंडीशन इसको लगेगी। ये इसका एप्लीकेशन सर्किट है, एप्लीकेशन सर्किट में देखोगे बैटरी सीधे आ रही है, आ गई, और यहाँ पर ये बैटरी प्लस है, मतलब बैटरी का जो चार्जर का जो प्लस पॉइंट है ये वो है, ये 100 ओम के थ्रू ये VCC को कनेक्ट हो गया। एक कैपेसिटर हम लगा देते हैं इसमें स्टेबिलिटी के लिए, ये बैटरी हो गया। अब माइनस जो है, ये देखो माइनस जो है ये 2 MOSFET के थ्रू गुजरेगा, अब ये दोनों MOSFET ऑन होने चाहिए तभी ये बैटरी, हमारी बैटरी जो है कनेक्ट होगी, तभी हमारी चार्जिंग का या डिस्चार्जिंग का सीक्वेंस चलेगा। कहीं भी हमें दिक्कत होगी तो वो जो जिस भी चीज़ की दिक्कत है वो उस MOSFET को बंद कर देगा और ये सर्किट हमारा पूरा बंद हो जाएगा।
करंट को सेंस करने के लिए ये 1 किलो ओम से ये वोल्टेज ड्रॉप को ये सेंस करता है। ये जो मॉस्फेट है, ये दोनों जो मॉस्फेट हैं, इनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होती है उसको ये सेंस करता है कि किस सेंस का ये है। क्योंकि सिंगल बैटरी के लिए होता है तो ज़्यादा इसमें हम वोल्टेज नहीं दे सकते, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम रेटिंग इसकी 10 वोल्ट तक ही है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं ले जा सकते। ये बाकी इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, आगे कैसे कैसे कितना देर में ये आता है, सब इसकी वेवफॉर्म्स हैं, ओवर चार्जिंग की, डिस्चार्जिंग की, और ये हमारी डाटा शीट ख़त्म हो जाती है। इसमें इसके बेस मॉड्यूल्स भी काफ़ी मिलते हैं, छोटे होते हैं, उसमें ये होती है प्लस इसके साथ में एक 8 पिन की आईसी होती है, जो कि 8 पिन की या 10 पिन की आईसी होती है, जिसमें कि 2 MOSFET जैसे जिस तरीके से इसको चाहिए उस तरीके से MOSFET वो उसमें बने हुए रहते हैं। वो और ये आईसी हम इसके साथ में यूज़ करते हैं। नॉर्मली हर बैटरी प्रोटेक्शन मतलब हर डिवाइस में आपको ये आईसी मिल जाती है, क्योंकि ये ज़रूरी है हर बैटरी के लिए। लिथियम आयन पावर्ड कोई भी डिवाइस होगा तो उसमें आपको आईसी मिलेगी। कोई डाउट रहता है इसमें तो मेरे को बताना, और कुछ चीज़ रहती है जो छूट गई हो मेरे हाथ से वो भी मेरे को बताना। धन्यवाद।